एक दिन शाम को राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे में सैर करने के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। अब फूलों की धीमी धीमी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में ना जाने राजा को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे रंग के घोड़े पर बैठकर इस बगीचे का सैर करें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों में एक हरे रंग का घोड़ा का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल होते हो तो तुम कभी भी अपना सकल मत दिखाना। इस बात से राजा बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी भी बात में अपनी हार स्वीकार कर ले। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वे भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वे भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर दिया, मगर इसके मालिक के 2 शर्तें हैं। राजा ने बहुत ही उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। बोलो बीरबल, वो 2 शर्तें कौन कौन सी है? तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। और राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है? तब बीरबल ने कहा, घोड़े की मालिक को दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के सात दिनों के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े के मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें माननी ही होगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उनकी हार बनवाना वाकई में बहुत मुश्किल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही सुझाव और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।